ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर दो इंस्ट्रूमेंट्स हम करेंगे, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं क्या, जो कि एक छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाते हैं और दूर के ऑब्जेक्ट को पास करके दिखाते हैं। तो छोटे ऑब्जेक्ट को बड़े करने का काम कौन करेगा? माइक्रोस्कोप। और दूर को पास कौन करेगा? टेलीस्कोप। तो माइक्रोस्कोप के अंदर पहले टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वो माइक्रोस्कोप है। और माइक्रोस्कोप का पहला टाइप है सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास। सिंपल माइक्रोस्कोप में सबसे पहले आपने एक लेंस लेना है, एक लेंस ले लिया, सिंपल एक लेंस, कन्वेक्स लेंस लेना है। ये आई लिख देना, आंख बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल ई वाई ई आई आंख लिख दो। तो यहां से क्या हो रहा है, ये आप एक ऑब्जेक्ट लो, जो आपने ऑब्जेक्ट लेना है वो फोकस और सेंटर के बीच में लेना है, ये इम्पोर्टेंट है, ताकि इसकी वर्चुअल इमेज ही बने। मुझे रियल नहीं चाहिए, मुझे वर्चुअल ही चाहिए, क्योंकि वर्चुअल इमेज ऑन द सेम साइड और बड़ी बनेगी। तो आप चेक कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, एक रे फोकस में से, एक सेंटर में से ये इमेज है। तो ए डैश बी डैश इमेज है, ए बी ऑब्जेक्ट है। तो मैंने क्या किया, जितना ए बी ऑब्जेक्ट है उतना ही ए डैश क्यू ले लिया, यानी कि बी के कॉरस्पॉन्डिंगली क्यू पॉइंट ले लिया। तो यहां से एक एंगल बनाया बीटा, बीटा का मतलब यहां पर इमेज का एंगल है, और ऑब्जेक्ट का एंगल यहां से बनाया, यहां से बना नहीं सकता क्योंकि ये एंगल भी इटसेल्फ बीटा ही आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट को इसके नीचे रख लिया एक तरीके से, ताकि बता सकूं कि देखो ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज का साइज है। तो ये डायग्राम आपने बनाना है, जरा कॉपी के अंदर सारे डायग्राम बनाने हैं आज, इसको प्लीज बनाएं, डायग्राम बनाएं साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर है, इमेज यहाँ पर है। अब इमेज को किसने देखना है? किसी ऑब्जर्वर की आंख ने देखना है। आंख कहाँ देखना पसंद करेगी? अब वो डिफेक्टिव भी हो सकती है ना, मुझे क्या पता कैसी आंख है, तो उसके ऐनक भी लग सकती है, मुझे पता नहीं। पर जहाँ इमेज बनती है उसको क्या बोलते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो जहाँ पर इमेज बनती है उसको डी बोलते हैं, तो डी के ऊपर बनेगा। तो इसके अंदर मैग्नीफाइंग पावर साथ में लिखने को आती है, राइट? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दिस माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर होती है इमेज का एंगल डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का एंगल। और क्योंकि एंगल छोटे हैं तो टैन बीटा को लिख सकते हैं टैन बीटा, अल्फा को लिख सकते हैं टैन अल्फा, तो टैन बीटा बाय टैन अल्फा। इस डायग्राम में टैन बीटा देखो क्या होगा, ये देख रहे हो छोटा ट्राइंगल, टैन बीटा होगा ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। और टेन अल्फा क्या होगा? ए डैश क्यू डिवाइडेड बाई ए डैश सी, ये रहा। लेकिन ए डैश क्यू किसके इक्वल है? ए बी। तो ए डैश क्यू किसके इक्वल है? ए बी। तो ये इक्वेशन नंबर 1, 2 है, इक्वेशन नंबर 3 है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो टेन बीटा टेन अल्फा को डिवाइड कर लेते हैं, जब डिवाइड करेंगे तो ए बी से ए बी क्या हो जाएगा? कैंसल। तो क्या बचेगा? ए डैश सी बाई
ए सी, ए डैश सी ये क्या है इमेज की डिस्टेंस, ए सी क्या है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो सीधा लिखे माइनस वी बाई माइनस यू यानी कि वी बाई यू, तो मैग्निफिकेशन वही है लेंस की वी बाई यू, लेकिन करना आपने टैन बीटा बाई टैन अल्फा सही है इसमें, तो वी बाई यू अभी खत्म नहीं हुआ। अब इस लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला, V से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई, V बाई यू क्या है M है, M का फॉर्मूला। अब इस M के अंदर ध्यान से देखना, M की ये वैल्यू है, V कहाँ पर बन रहा है, मान लो उसके लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, जो भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होगी कि इमेज 25 सेंटीमीटर पे, 30 पे, 40 पे, जहाँ बनेगी पुट कर देना माइनस डी। तो जब वी को यहाँ पुट करेंगे माइनस डी, तो ये किसकी वैल्यू आएगी, मैग्निफिकेशन की। दिस इज मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। हाँ, आप ये भी याद कर सकते हो, अगर आपने फॉर्मूले में ये याद किया, जैसे ये किया, तो उसमें आप डी को वी को माइनस 40 माइनस 35 जो गिवन होगा पुट करेंगे। इसमें ऑलरेडी माइनस डी पुट कर दिया, यहाँ साइन कन्वेंशन जो इतनी पड़ेगी कि डी आपको ऑलरेडी गिवन होगा, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो मैं ये यूज़ कैसे कर रहे हैं न्यूमेरिकल में, मैं आपको बताऊँगा, आप मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला यहाँ तक प्रूव करके आएंगे। क्लियर है यहाँ तक?